116वें अखिल भारतीय किसान मेले का आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में दूरस्थ और अन्य राज्यों से आए किसानों को संबोधित किया। मेले में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का हरित क्रांति में बड़ा स्थान है। किसान मेला कृषि का बड़ा कुंभ है, जो कि किसानों को उन्नतिशील बनाने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ की 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रदेश में किसानों की उन्नति के तमाम योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। बिना ब्याज के 3 लाख का लोन दिया जा रहा है। कृषि उपकरणों में 80% का सब्सिडी दी जा रही है। गौरतलब है कि हर साल की तरह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। पंतनगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। बहुत बड़ा किसान मेला है और अपने आप में इस विश्वविद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता है और भविष्य में भी और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में। मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता।